तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही कुछ मामला सहारनपुर में देखने को मिला, जहां एक पति ने कोर्ट परिसर में ही अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि महिला सुलह के लिए कोर्ट पहुंची थी, तभी उसके पति ने परिसर में ही तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरी सास शुरू से ही मार पिटाई कर रहे थे। मेरी सास अलग छेड़ते थे, देवर अलग छेड़ते थे, सब छेड़ते मुझे। फिर मेरे एक बार दफा मेरे कपड़ों में आग भी लगा दी, मेरे बच्चे में आग लगा दी, फिर मैं घर आ गई। फिर हमने वहाँ मुकदमा रखा, फिर हम मेडिसन में से नीचे आ रहे थे। फिर पापा के साथ में बदतमीजी की, गिरवान पकड़ा और गाली गुप्ता दे के मुझे 3 बार तलाक तलाक कह के भाग गया, कह रहा कि तेरा बच्चा भी उठा के ला रहा। फिर मैं वहाँ गई चौकी पे, वहाँ सदर थाने गई, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने चौकी में भेज दी, वहाँ मुझे धमका धमको 3 तलाक मेडिसन में से नीचे आ रहे थे तेरे को, जब दे दी 3 तलाक। कब दिया? 17 तारीख को। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक महिला मेरे सामने उपस्थित हुई, उसके द्वारा बताया गया कि इनका पहले से कोर्ट में मेडिएशन के बाद में एक वर्तमान में मुकदमा कचहरी में चल रहा है। इनका कहना था जब ये वहाँ से वापस बाहर आई तो इनके साथ में किसी ने मारपीट करी और कुछ और उन्होंने एलिगेशन लगाए। इसके संबंध में मेरे द्वारा थाना सदर बाजार को निर्देशित करते हुए इसमें जाँच करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इनके द्वारा जो एलिगेशन लगाए, चूँकि एक मुकदमा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, इनके द्वारा अपनी एप्लीकेशन में भी ये कहा गया है और स्वयं मेरे समक्ष भी उपस्थित होकर इन्होंने कहा है कि कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है, तो इसीलिए इसमें दोबारा अभियोग पंजीकृत करने की अपेक्षा पहले जो है अभियोग से पहले इसमें जाँच कराई जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न को लेकर वाद दायर किया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।